वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मेचिका ब्लॉग। जैसे कि आपने देखा पिछले एपिसोड में हम गए थे दार्जिलिंग सलमान पॉइंट और दिन का अंत किया था हमने ओके घर पर डिनर करके। आज के इस न्यू एपिसोड में हम आपको लेके जाएंगे कुछ ऐसी जगह जहाँ का नज़ारा देखने के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे। तो चलिए मेरे साथ मेरे इस न्यू एडवेंचर में मेरा हिस्सा बन के लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 5:30 AM राइट नाउ और अभी हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड द लैंड ऑफ द वीडियो। ट्रैकिंग स्टार्ट ही नहीं किया, एकदम खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया। मेचुका टॉप जा रहे हैं। ये ट्रैक है टोटल 1.5 hours का, बस जाने के लिए। वापस आने के लिए भी 1.5 hours लगेगा। वापस आने के लिए अनदर 1 hour लगेगा। तो टोटल ट्रैक टाइम है 2.5 hours। तो टाइम इज 6:00 नाउ। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 9 बजे तक हुआ और मैडम जी बैठ गए। A few moments later. ऊपर से चला रहे हैं लोग, जो हमारे फ्रेंड्स ऊपर पहुंच गए वो देखिए चिल्ला रहे हैं कि बादल हटने वाला है, धूप क्लियर सन दिखेगा, जल्दी ऊपर आ जाओ। और यहाँ पे हमारा हलवा टाइट हो रहा है। दिस फ्लावर्स वाव व्यू। चराई चराने फर्स्ट टाइम है और पूरा हलवा टाइट हो गया, बट डेफिनेटली द व्यू इज वर्थ इट। सनराइज हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर इज प्रिटी अमेजिंग। Although this is my first trekking ever in my life so far till now, but I'm quite satisfied with my performance because I'm not the last one from our group. So I guess yes, 3 persons are ahead of me and 3 persons are behind me. So definitely I've given the average performance. Thank you. उल्टा हम आपसे ज्यादा खतरनाक निकल गया लग रहा है। दारू निकल रहा है ना, लेकिन हम आपसे ज्यादा खतरनाक निकल गया लग रहा है। चलते तो एटलीस्ट हमको सोचा था हम बहुत गाजा परफॉर्मेंस देगा ही, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर ट्रैकिंग। बट ऑब्वियसली मेरा आगे वो तीन था, तकम और वो जेई और ये मैम, तो हम बीच में था और मेरे पीछे आप केम्पी और अतः तो एवरेज वाला ये। अभी और एक माउंटेन चढ़ाई चढ़ने को बचा है, बट अभी ये थोड़ा सा प्लेन ठीक लग रहा है ना। पा जो स्टिफ वाला माउंटेन होता है एकदम हलवा टाइट हो जाता है। और ऊपर से सुबह उठा हम लोग अराउंड 5:30 और कल रात 12:15 ऐसे तक, तो मैं चुका में पूरा दारू ही पी रहा था वाइन। फिर से ये चढ़ाई आ गया,
लेकिन एकदम भी स्टिफ नहीं है ना। ये और एक पहाड़ को चढ़ेगा तो कसम से पूरा फ्रेंड होने बेहोश भी हो जाएगा होगा। कहा गया वो लोग, वो देखो कहा, बाप रे, डोंट टेल मी अभी वो पहाड़ चढ़ना है, इसको चढ़ना है बोल। अयो नहीं हो सकेगा लग रहा, हम देखने में तो बहुत कम लग रहा है यहाँ से यार, लेकिन कसम से हलवा टाइट होगा इधर। अभी मैं उस माउंटेन में हूँ जहाँ पे वे लोग थे जो मैंने आपको जूम करके दिखाया था, और सीरियसली वो वाला फीलिंग हो रहा है कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। जितना चढ़ाई चढ़ते जा रहे उतना पहाड़ भी और बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है एंडलेस हाइक। पर पहुँच ही गए अभी। I'm almost about to reach Machuca top. Finally, I guess मेरा मेहनत रंग लाया। ये क्या टॉप? इससे आगे और नहीं ना? प्लेन। Wow! Finally, Peanut, Peanut का हालत खराब। अरे सगा दे, Peanut। हमारा टूरिस्ट गाइड और CEO सर और हम लोग का फर्स्ट माउंटेन में पहुंचने वाला है सर, और नेक्स्ट दूर हो जाएगा ये पहुंच के। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम मैचुका टॉप में आके? बहुत अच्छा लगा। उधर आई थिंक बोलते हैं ना कि द बेस्ट व्यू कम्स फ्रॉम द हार्डेस्ट क्लाइम बोलते हैं। आई थिंक आज वही हुआ। वही हुआ एग्जैक्टली, द व्यू इज अमेजिंग। अभी सीधा तो पानी पीने से कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा फाइनली मैचुका टॉप व्यू में पहुंच गया। आपको कैसा लग रहा है बताइए? कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। थक गया ना? हम शू का हालत खराब हो गया, पूरा साफ था पूरा वाइट और अभी गंदा हो। एनीवेज इट्स ओके, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे हम इसको स्टैंड करके टाइम लैप्स ले सकूँ, बट आई डोंट थिंक पूरा ग्रासेस है यहाँ पे और मेरा पास ट्राईपॉड भी नहीं है जगह। आई एम सर्चिंग फॉर द प्लेस, लेट्स सी मिल जाए तो सही रहेगा। यहाँ से अब लोग अगर आप इस तरफ देखोगे तो पूरा मैचुका टाउन अभी रिवील होगा, ये क्लाउड्स पूरा डिसअपियर हो जाएंगे धीरे धीरे, बिकॉज अभी टाइम एग्जैक्टली लेट मी चेक, अभी 7:14 हो गए आई गेस, हम लोग 7 बजे एग्जैक्टली ये मैचुका टॉप में पहुँचे हैं। एंड अभी आई एम ट्राइंग टू गेट माई टाइम लैप्स फ्रॉम हियर, लेट्स चेक दिस आउट। ओह नो यार, रखो तो ये नीचे पड़ रहा है। इतनी सी ऐसे डाउन करो तो भी ये पूरा ग्रासेस आ रहा है, क्या करूँ कहाँ रखूँ? अभी ऐसे ऊंचा वाला ट्राइपॉड भी नहीं है मेरे पास। अभी मैं आपको 360 राउंड करके दिखाऊंगी कैसा लगता है यहाँ से। देखो यहाँ देखिए, ये पीछे है मेरा मैचुका, एंड दिस इज अमेजिंग द व्यू, डेफिनेटली वर्थ इट इतना चढ़ाई चढ़ के। द रनिंग शॉट ऑफ DJI Osmo Mobile 5, जस्ट चेक द स्टेबलाइजेशन, स्टेबल है ना? नहीं। ओह पापी चेयर को भी लेके आ गया रही है, फाइनली कंग्रेचुलेशन। बाबरा मन देखने चला एक सपना।
का व्यू खुल रहा है मेचुका टाउन का। बाबरी से नैन चाहे बाबरी झरोको से बाबरी नजा। हाय एवरीवन, वी आर गोइंग बैक टू द मेचुका टाउन राइट नाउ एंड I can't tell you the way I felt after climbing this Namachuka top. I just wanted to tell you that the mountain climb karte gaya sach mein utna hi sense of achievement kind of feeling hua, because kabhi nahi socha tha ki itna uncha mountain mein, wo bhi almost 1.5 hour ka trekking, I will be able to do it. But yes, I did it and it was quite amazing experience, was good. पहले यहाँ से लेने से ठीक तरह बाबरे से इस जहां में बाबरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बाबरे से। So now guys, we are going back to Mechuka town and little Kit Kat break to banta hai on the top of Mechuka mountain, and I am telling this repetitively, but this climb was worth it, and actually my first ever trekking experience was amazing and I'm never gonna forget this trekking. The view is mesmerizing, check this out. Wow, initially pura cloud yahan se dhaka hua tha. Yes, we reached the top of the Mechuka mountain around 7:10 I guess. So agar aap bahut fast ho, expertise hai, aapka experience hai, so you will reach the Mechuka top exactly in 1 hour and maybe before early 1 hour. And agar aap thoda sa jaise meri jaise ho, jo first ever aap trekking ke liye ja rahe ho, then you will reach exactly at 1.5 hour and you'll see this amazing view. And if you are liking my Mechuka vlog, please don't forget to hit the like button, subscribe that Arunachali girl YouTube channel. Thank you so much for watching. Please aise itna beautiful place ko litter mat kijiye plastics and water bottles se. Hum logon ne to apna wapas carry kiya jo hum log leke aaye the, and I wish hum log usko wapas bhi leke ja sakte, but ऑलरेडी मेरा जो टीम मेट थे सब लोग नीचे चले गए, मैं अकेला हूँ और एंड आई डोंट थिंक कि मैं अकेला इतना कैरी कर पाऊँगी. पर यहाँ पे क्लीनिनेस वाले लोग आते हैं जो मेचुका को, मेचुका बड़ा जो पत्थर है उसको पेंट करते हैं, तो दे डू ऑल दिस स्टफ. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द टूरिस्ट और द मेचुका पीपल हु कम्स हेयर ऑन द टॉप ऑफ द मेचुका माउंटेन, प्लीज़ डू नॉट लिटर ऑल दिस प्लास्टिक्स एंड वाटर बॉटल्स, बिकॉज दिस प्लेस इज सच अ क्लीन एंड ब्यूटिफुल सीनिक प्लेस. तो ये प्लास्टिक अगर आप लिटर करोगे तो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है. सो इट्स एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ सेव द प्लास्टिक एंड डू नॉट लिटर प्लास्टिक्स हियर, कीप दिस प्लेस सेम एज ब्यूटिफुल एज फॉर एवर. चलो बाय.